हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं लुकअप फंक्शन के बारे में कि यह लुकअप फंक्शन होता क्या है और इसका यूज क्या है और कब और किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करेंगे। वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। तो सभी लोग ध्यान देंगे बाबू, जैसे लुकअप जो फंक्शन है इसका मतलब क्या समझिए। देखो, लुकअप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम लोग बड़े से डाटा को, मतलब कोई हम बहुत बड़ा सा डाटा बना के रखते हैं और उसमें से कोई डाटा हमको सर्च करना। सपोज हमने किसी फर्म में काम कर रहे हैं, किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पर हमने 100, 200, 1000, 500 लोग हमने रिकॉर्ड बना के रखा है। और वहां पे अगर नाम के हिसाब से, जैसे मैं नाम टाइप करूं और उसका डाटा तुरंत हमारे सामने निकल के चला है, या जैसे उसका आईडी टाइप करूं उसका डाटा तुरंत हमारे सामने निकल के आ जाए, तो क्या मतलब है? एक सर्च बॉक्स है कि सर्च बॉक्स में नाम लिखा और डाटा हमारे सामने निकल के आ गया, या सर्च बॉक्स में आईडी लिखा डाटा हमारे सामने निकल के आ गया। तो लुकअप फंक्शन क्या करता है, बड़े से डाटा को, जो बहुत बड़ा सा डाटा बनाए हो उसमें से किसी पार्टिकुलर नेम के हिसाब से, किसी पार्टिकुलर आईडी के हिसाब से अगर डाटा को सर्च करके देखना हो तो वहां पे लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे आप लोग जाते हो हमारे ऑफिस में और सर आपसे रजिस्ट्रेशन पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि एक नाम से बहुत सारे लोग हैं, रजिस्ट्रेशन में जैसे डालते हैं आपका डाटा आपके सामने आ जाता है, मतलब हम लोग के कंप्यूटर पे आ जाता है और जो रसीद बनाना होता है या जो भी रिपोर्ट जनरेट करने होते हैं वह जनरेट हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक्सेल में अगर हमको करने हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए लुकअप फंक्शन का यूज किया जाता है। इसका लुकअप फंक्शन का, और लुकअप फंक्शन में ध्यान देना, लुकअप फंक्शन में जो फार्मूला हम लोग सीखेंगे वह सीखेंगे हम लोग वी लुकअप और एच लुकअप। क्या सीखेंगे? वी लुकअप और एच लुकअप। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि यह वी लुकअप क्या होता है और एच लुकअप क्या होता है। तो देखो, वी लुकअप मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, और एच लुकअप मतलब हॉरिजेंटल लुकअप। देखो, वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप और एच लुकअप मतलब हॉरिजेंटल लुकअप। मतलब जब डाटा हमारा कॉलम में बना हो, जैसे ये बना है कॉलम में बना हो और तब डाटा को आपको सर्च करने हो, तब डाटा को आपको सर्च करने हो तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? वी लुकअप का। और वही डाटा अगर हमारा रो में बना हो तो वहां पे अगर डाटा को सर्च करना हो तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे क्या? एच लुकअप। मतलब दोनों का मतलब एक ही है कि डाटा को सर्च करेगा, बस डाटा कैसा बना है उसके लिए हम लोग अलग अलग फार्मूले का यूज करेंगे। अगर डाटा इस तरह जैसे बना है इस समय प्रेजेंट टाइम में, वो कॉलम में बना है तो हमेशा इस्तेमाल करेंगे वी लुकअप, और वही रो में बन गया होता तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं एच लुकअप, बस अदर कोई अंतर नहीं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और आसानी तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते। तो आप लोग भी लगभग देखो, मैंने लगभग 20 लोग का डाटा बना के रखा है, ध्यान दीजिएगा। लगभग हमने क्या किया है, 20 लोग का डाटा बना के रखा है और थोड़ा हम ऊपर आ जाते हैं। और ऊपर आने के बाद से ध्यान दीजिए, यहाँ पे इम्प्लाई आईडी लिखा है, यहाँ पे इम्प्लाई नेम लिखा है, यहाँ पे एड्रेस हमने लिखा और यहाँ पे सैलरी लिखा। तो हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद से हम किसी एक आईडी को कॉपी कर लेंगे, ध्यान देना, हम किसी एक आईडी को कॉपी कर लेंगे और लाके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और थोड़ा माल बॉर्डर कर लेते थोड़ा सा। उसके बाद से लिखा एम्प्लॉय नेम, क्या लिखा गया है? एम्प्लॉय नेम। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे और करेंगे इक्वल
और इक्वल करने वहां से लगाएंगे भी लुकअप, क्या लगाएंगे, इक्वल भी लुकअप, और सबसे पहला पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में ध्यान रहे, लुकअप वैल्यू में हम लोग जिसके हिसाब से डाटा देखना होता है वही हम लुकअप वैल्यू में देते हैं, तो हमने आईडी सेलेक्ट कर लिया, गामा कर दिया। अब उसके बाद से पूछ रहा है टेबल एरे, क्या पूछ रहा है, टेबल एरे। तो टेबल एरे में हमको पूरा टेबल लेना होगा जिस टेबल से डाटा निकालना है, तो हम यहाँ पे इम्प्लाई आईडी से लेके और सैलरी तक ले लिए और पूरा डाटा सेलेक्ट कर लिया, क्लियर है। अब इतना लेने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कामा कर दिया। अब पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो जो कॉलम इंडेक्स नंबर है, ध्यान देना, जो कॉलम इंडेक्स नंबर है यहाँ पे वह कॉलम नंबर देंगे जो डाटा आपको देखना है। तो इम्प्लाई आईडी के हिसाब से हमको पहले नेम देखना है, तो गिनेंगे ये कॉलम कितने नंबर पे है, तो पहला पे तो है नहीं, ये दूसरे पे है, इसलिए हम टाइप कर देंगे टू, फिर से करेंगे कामा। अब उसके बाद से पूछेगा ट्रू या फाल्स, तो वैल्यू को एग्जैक्ट मैच कराने के लिए फाल्स लगाते हैं और फाल्स के लिए जीरो लगाते हैं, मतलब वैल्यू सही से मैच करे, और ब्रैकेट को कर देते हैं बंद, ब्रैकेट को कर देते हैं बंद और इंटर बटन दबा देते हैं। अब उसके बाद से यहाँ पे आ गया आदित्य सिंह। अब फायदा क्या हुआ, ध्यान देना, अब यहाँ पे 102 है, अब हमें जैसे टाइप करेंगे 105, तो देखो अपने आप आ गया क्या, राघव, क्या आ गया, राघव। हमने कर दिया 111, तो देखो अपने आप आ गया क्या, राहुल, मतलब डाटा हमारा कहीं पे है और हम एक सर्च बॉक्स बना ली। अब जैसे हम उस सर्च बॉक्स पे आईडी टाइप करेंगे यहां से डाटा वहां पे निकल के चला आएगा, यूं कह लो एक हमने अपने सर्वर पे एक डाटा रखा है और एक सर्च बॉक्स बना लिया, जैसे वहां पे आईडी टाइप किए उससे संबंधित डाटा हमारे सामने खुल के चला आया। ऐसे कंडीशन में बहुत ही ज्यादा भी लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूले का यूज किया जाता है और बहुत ज्यादा लोग करते हैं और आप लोगों को भी करना पड़ेगा। चलो वैसे हमको एड्रेस निकालना है तो सिंपल है, फिर से करेंगे इक्वल, लगाएंगे भी लुकअप, पूछ रहा लुकअप वैल्यू, सेलेक्ट कर लेंगे कामा, टेबल एरे तो टेबल ले लेंगे, माउस से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और इतना लेने में क्या करेंगे काम, आप पूछिए कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 कामा 0 ब्रैकेट बंद, इसका एड्रेस क्या है, मांडेरा, क्या है, मांडेरा है, अपने कर दिया 103, बता दिए को ज्ञानु गुप्ता गोरखपुर, देख लीजिए। वैसे मान लो इनको सैलरी कितना मिलता है ये भी ज्ञात करना है, इक्वल लुकअप, लुकअप वैल्यू, सेलेक्ट आईडी, कामा, टेबल अरे, सेलेक्ट टेबल, ऊपर आएंगे कामा, कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4, 4 ले लेंगे कामा 0 ब्रैकेट बंद,
बस अब आईडी लिखिए आप 105, सब बता देगा। राघव रामकोला 17,540। हाँ क्या कर रहे हो? यहां से नहीं एडिट होगा, यहां से एडिट करो तो वहां पे हो जाएगा। समय वो सबको। वैसे ही अगर मान लीजिए, सपोज अगर क्या करना है, यच लुकअप निकालना है। क्या निकालना है? यच लुकअप। तो यच लुकअप के लिए डाटा कैसा होना चाहिए और कब इस्तेमाल करेंगे? तो देखो, जो डाटा हमारा हेडिंग कॉलम में बना है ना, जो हेडिंग हमारा कॉलम में बना है, वही हेडिंग हमारा रो में होना चाहिए। तो देखो, अगर कॉलम में कोई डाटा है और उसको एक बार में रो में लाना, या कोई रो में डाटा हो और एक बार में कॉलम में लाना हो, तो बहुत इजी तरीका इसमें दिया है। आप बनाओगे तो मैनुअली बनाते रह जाओगे सब डिलीट करके। इसमें ऑप्शन दिया है, बहुत इजी है, आप उसको पूरी को सेलेक्ट कर लो जो कॉलम में है, और उसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लो। कर लिया? और देखो, अगर मैनुअली करते ना तो 1 घंटा लग जाता बनाने में इतना, लेकिन देखो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और बस यहाँ पे राइट क्लिक करो और एक ऑप्शन आएगा ट्रांसपोज, बस हो गया, कुछ चेंज हो गया। समा रहा है? मतलब जो हेडिंग हमारा कॉलम में था वो किसमें आ गया? रो में। जो डाटा कॉलम में दिख रहा है वो किसमें आ गया? आप बताओ, अगर ऐसे हम कह देते बनाओ तो क्या कॉपी पेस्ट से काम कर ले जाते? नहीं, मैनुअली डिलीट कर करके बनाना पड़ता, देख देख के बनाना पड़ता, टाइम लगता। ऐसा कोई तरीका नहीं कि हम कॉपी पेस्ट कर दे, नॉर्मल आ जाए। इसके लिए हम लोग पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज करेंगे, मतलब पोज चेंज कर देता है। अगर डाटा वर्टिकल हो तो वर्टिकल हो तो हॉरिजेंटली कर देता है, हॉरिजेंटली है तो वर्टिकली कर देता है। ठीक है, तो दोनों काम है। ऐसा नहीं कि केवल कॉलम में रहेगा तो रो में करेगा, नहीं, रो में रहेगा तो कॉलम में भी कर देगा और कॉलम में है तो रो में भी कर देगा। अब बस वही है। अब यहाँ पे एच लुकअप लगा लो आप। अच्छा नहीं, सेम काली लगेगा, जहां भी लुकअप लगा था वहां पे एच लुकअप लगेगा। हाँ, पैटर्न सब सेम है। किसी एक आईडी को कॉपी कर लो, लाके पेस्ट कर दो, और नाम हमको निकालना है तो यहाँ पे करेंगे इक्वल एच लुकअप, लुकअप वैल्यू तो सेलेक्ट आईडी, कामा टेबल एरे तो सेलेक्ट ऑल टेबल, कामा रो इंडेक्स नंबर, वहां पे कॉलम पूछ रहा था, यहाँ पे रो पूछ रहा है, तो बात एक ही है, मतलब नंबर वही देना है। 2,0(1) 104 पे है सचिन कुमार, देख लो सचिन कुमार। 106 पे है राजू, 106 पे है राजू। ऐसे एड्रेस निकाल लीजिए और ऐसे सैलरी निकाल लीजिए, मतलब भी लुकअप के लिए और एच लुकअप के लिए सेम पैटर्न है। बस जहां पे भी लुकअप लगाना है वहां पे भी लुकअप लिखेंगे, और जहां पे एच लुकअप लगाना है वहां पे एच लुकअप लिखेंगे। जब डाटा कॉलम में हो तो भी लुकअप लगाएंगे, और जब डाटा रो में है तो, डाटा रो में हो तो बोलो एच लुकअप लगाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए बना लीजिएगा।